ये क्वेश्चन बेस्ड है फोर्स बैलेंसिंग पर। क्वेश्चन पढ़े अगर हम लोग तो इसमें हमको दिखेगा कि स्प्रिंग दे रखी है, एक ब्लॉक दे रखा है और लिक्विड दे रखा है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, जैसा कि हम क्वेश्चन करते टाइम बनाते हैं, तो MG नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर और बॉयंसी फोर्स भी ऊपर। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स इक्वल टू MG। तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू MG माइनस बॉयंसी फोर्स। तो अगर देखें कि मास कितना दिया है 10, तो ये हो जाएगा 100। और बॉयंसी फोर्स अगर निकालें तो बॉयंसी फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। उसके लिए हमको करना पड़ेगा वॉल्यूम हो गया 10/2000 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये सब कैंसिल हो गया, ये आ गया 50 न्यूटन, और ये आएगा 100। तो 100 माइनस 50, सो के एक्स इक्वल टू 50। तो अगर x की बात करें तो 50/k इज 100, सो इज 1/2। और अगर एनर्जी की बात करें स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ k इज 100, दिस इज 1/4, सो 100/8 12.5। तो ये इसके आंसर्स हैं। 12.5 के एक्स की वैल्यू 0.5 है, जो कि इसमें गलत दे रखी है, वन दे है, वो नहीं आएगा। और बॉयंसी फोर्स है 50, दिस इज द आंसर।